जनपद रुद्रप्रयाग में सीएम धामी ने आज विकासखंड अगस्त मुनि के सियालसोड़ में आयोजित कृषि औद्योगिक पर्यटन मेला का शुभारंभ किया। इस अवसर पर सीएम धामी ने 47.43 करोड़ की 18 महत्वपूर्ण परियोजनाओं का शिलान्यास और 1.23 करोड़ की विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण भी किया। इसके बाद सीएम धामी ने कहा कि विधानसभा केदारनाथ की जनता ने जिस तरह अपार समर्थन देकर आशा नौटियाल को विधानसभा में बतौर सदस्य निर्वाचित करने का कार्य किया है, उसी तरह राज्य सरकार द्वारा भी इस क्षेत्र के विकास के कार्यों को गति देने का कार्य किया जाएगा। तो वहीं विधायक भरत सिंह चौधरी ने कहा कि सीएम धामी के नेतृत्व में प्रदेश नित्य विकास के नए आयाम छू रहा है, साथ ही प्रदेश निरंतर ऐतिहासिक प्रगति की ओर अग्रसर है। विधायक आशा नौटियाल ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री की केदार बाबा पर विशेष आस्था है, उसी का परिणाम है कि केदारपुरी ने आज दिव्य और भव्य रूप में विशिष्ट पहचान बनाई है। रुद्रप्रयाग से सत्यपाल नेगी की रिपोर्ट। इसके साथ ही इस बार चार धाम यात्रा में अनेक अनेक चुनौतियों का हमें सामना करना पड़ा है। बहुत सारे सुझाव हमको मिले और मैंने चुनाव के दौरान भी कहा है कि जहां पर भी हमको इसमें परिवर्तन करना होगा, जहां भी सुधार करना होगा, हम उन सभी में सुधार करेंगे और चार धाम यात्रा के सफल संचालन के लिए यात्रा प्राधिकरण जो हम बना रहे हैं उसमें हम तेजी से काम करेंगे। सभी की राय लेकर ये प्राधिकरण चार धाम यात्रा की पूरी व्यवस्था को संभालेगा और कोई भी निर्णय लेने से पहले हमारे यहाँ के जितने भी हितधारक हैं उन सभी हितधारकों से बात करेगा।